मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को 163 सीट के साथ बंपर जीत मिली है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में सिर्फ 66 सीट आई है। निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में हताशा छाई हुई है। कांग्रेस की हार के बाद कमलनाथ ने कहा, विरोधी दल के नाते हमारी जो जिम्मेदारी है उस पर हम डटे रहेंगे। कमलनाथ ने कहा, हम हमारी हार पर चिंतन करेंगे कि आखिर हमसे कहां चूक हो गई और हम जनता का विश्वास क्यों नहीं जीत पाए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जीत की बड़ी उम्मीद थी, पर चुनाव में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव नतीजों के सामने आने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में निराशा और हताशा है। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है और भाजपा पर अपना भरोसा कायम रखा है। हार के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा, हम जनता का निर्णय स्वीकार करते हैं। विरोधी दल के नाते हमारी जो जिम्मेदारी है उस पर हम डटे रहेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी को बधाई देते हैं। हमें उम्मीद है कि भाजपा जनता के विश्वास को जिम्मेदारी से निभाएगी, कोई विश्वासघात नहीं करेगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि हम हमारी हार पर चिंतन करेंगे कि आखिर हमसे कहां चूक हो गई और हम जनता का विश्वास क्यों नहीं जीत पाए। इसके लिए हम हमारे जीते और हारे दोनों प्रत्याशियों के साथ बैठक कर चर्चा करेंगे। प्रजातंत्र के इस मुकाबले में हम मध्य प्रदेश के मतदाताओं का फैसला स्वीकार करते हैं। आज विरोधी दल के नाते और आगे भी जो हमारा कर्तव्य है, हम उस कर्तव्य पर डटे रहे। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने नौजवानों की भविष्य की है, बेरोजगारी की है और कृषि क्षेत्र की है। कृषि क्षेत्र 70% हमारे अर्थव्यवस्था का हिस्सा है और कृषि क्षेत्र में मजबूती आए, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार जनता ने उन्हें समर्थन दिया है, वो उस पर खड़े उतरेंगे और जनता को जो विश्वास उन्होंने जताया है भारतीय जनता पार्टी को, वो विश्वास बड़ी जिम्मेदारी से निभाएंगे। आज हमारी दूसरी उम्मीद थी। मैंने हमेशा कहा था कि मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूँ, वो आज भी करता है। मैंने पिछले एक महीने से कह रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूँ। जैसे जब आप पूछते थे कि कितनी सीटें आएंगी, मैं कहता था मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूँ, आज भी मैं विश्वास करता हूँ और मुझे ये उम्मीद है कि ये विश्वास जो मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर रखा है, उनके साथ विश्वासघात नहीं होगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।